हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? सर, हम बहुत बढ़िया हैं और हमारी तैयारी भी अच्छी चल रही है। मतलब मेरा अगला सवाल यही होना था, आपने पहले ही बता दिया। अच्छी बात है, तैयारी अच्छी चलनी चाहिए और पूरे समर्पण होना चाहिए, सर्वस्व समर्पण होना चाहिए तैयारी में। चलिए तो शुरू करते हैं। अगला लेक्चर हमारा वेक्टर और 3D का है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, है ना, और बहुत सारी जगह इसका इस्तेमाल होता है। शुरू कर सकते हैं प्लीज सर। मेरा नाम नीरज झा, शुरू करते हैं। रेखा के दिक कोसाइन ऑब्लिक दिक अनुपात, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन। क्या होता है डायरेक्शन कोसाइन? तो 3D में हमें जो लाइन होती है, ध्यान दीजिएगा एकदम, लाइन जो होती है 3D में वो कैसी होती है? 3D में जो लाइन बनेगी वो कैसे बनेगी? वो ऐसे बनेगी। ये मान लो कोई लाइन है ऐसे कर, अब ये प्लेन से बाहर जा रही है, ये आपको मतलब ऐसा इस टाइप का कुछ है। तो मान लो ये एंगल अल्फा बना रही है, ये एंगल बीटा बना रही है और ये एंगल गामा बना रही है। ये जो वेक्टर लाइन की तरफ जा रहा है वो ऐसा बना रहा है, अल्फा बीटा गामा। आप ऐसे समझो कि मेरे पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, यहां से ऐसे कोई लाइन जा रही है, एक एंगल अल्फा, एक एंगल बीटा और एक एंगल गामा। एक्स एक्सिस से अल्फा, वाई एक्सिस से बीटा और जेड एक्सिस से गामा। तो L बराबर cos अल्फा, M बराबर cos बीटा और N बराबर cos गामा, ये दिक कोज्या है। क्या है सर? दिक कोज्या। ये डायरेक्शन कोसाइन से दिक कोज्या है कि किसी भी रेखा के, रेखा के इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है सर? इनकी कैरेक्टरिस्टिक है L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर बराबर 1। ठीक है ना? अरे ठीक है ना? यस सर, ठीक है सर। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं इनको मल्टी, ये एल कॉमा एन कॉमा एन, ये क्या है? डीसी। डीसी मतलब डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन डीसी। इनके बीच में रिश्ता क्या है सर? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1। वेरी गुड। अगली चीज देखिए, दिक अनुपात भी देख लेते हैं। यहां पे दिक अनुपात भी लिख लेते हैं। कुछ लैम्डा टाइम्स एम एल कॉमा लैम्डा टाइम्स एम कॉमा लैम्डा टाइम्स एन, ये होता है दिक अनुपात। क्या होता है? दिक अनुपात। दिक अनुपात का क्या मतलब होता है बेटा? सर दिक अनुपात का मतलब होता है कि ये डायरेक्शन जो है, ये चीज जो लिखी हुई है, ये डायरेक्शन रेशियो है, DR, डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो जो चीज होती है उसका मतलब यह होता है कि डायरेक्शन कोसाइंस को किसी चीज से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे जो भी वेक्टर लिखा हुआ है ना, जो भी वेक्टर लिखा हुआ है उसके DRs जो अपने को मिलेंगे वो क्या मिलेंगे? जो भी उसके आई कैप, जे कैप और के कैप के कोफिशिएंट होंगे। जैसे मान लो मैंने एक वेक्टर लिखा, ए वेक्टर, मान लो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक, तो ये वेक्टर के 2, 3, 4 ये DR है, डायरेक्शन रेशियो। लेकिन अगर मैं ए कैप निकालू वो आएगा 2i + 3j + 4k बटा रूट ओवर 2 का वर्ग + 3 का वर्ग + 4 का वर्ग 25, 29, यानी कि 2/√29, 3/√29 और 4/√29। ये क्या आएगा? ये आएगा DC, डायरेक्शन कोसाइन। ये दिक अनुपात आएगा, ये दिक कोज्या आएगा, सर ये दिक कोज्या आएगा, ये दिक अनुपात आएगा। मतलब 2/√, जो यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश, इकाई सदिश के जो कोएफिशिएंट्स होते हैं वो दिक कोज्या कहलाते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस कहलाते हैं। ठीक है, यस सर, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, सवाल करते हैं। सवाल में बोला है कि अगर किसी रेखा के दिक अनुपात दिए हैं, ये दिक अनुपात दिए हैं तो इसके दिक कोसाइन क्या है? तो दिक अनुपात ध्यान से देखें, -18, 12 और -4। यानी कि अगर ये वेक्टर बनेगा तो ये कैसा बनेगा? -18i + 12j + -4k कैप। ये कोई वेक्टर बी वेक्टर बनेगा मान लो, तो हमें बी कैप चाहिए। बी कैप निकालेंगे तो उसका जो कोएफिशिएंट आएगा वो दिक कोसाइंस, वो दिक कोसाइंस होगा, यूनिट वेक्टर के कोएफिशिएंट। अब यहां लिख लेंगे यूनिट वेक्टर के
यूनिट वेक्टर के कोएफिशिएंट्स यानी कि के गुणांक क्या होते हैं, दिक् कोज्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, डीसी होते हैं। तो यहां से मैंने इसका निकाल लिया, मैंने यहां पे कॉमन माइनस 18 आई कैप प्लस 12 जे कैप माइनस 4 के कैप बटा रूट ओवर 18 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। अब आप ये वर्ग वगैरह जोड़ते रहिएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो आप चाहे तो 2 का वर्ग कॉमन ले सकते हैं, माइनस का 18 आई कैप प्लस 12 जे कैप माइनस 4 के कैप बाई 2 कॉमन लिया, यहाँ पे आ गया 9 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, 36 और 4 40, 40 121 यानी 11 आ गया, 11 आ गया ना मेरे ख्याल से, एक 9 9 81 81 और 6 6 36, 36 और 4 40, 40 121 यानी कि 11, 11 इंटू 2 22, मतलब ये आएगा, ये आएगा माइनस 18 आई कैप प्लस 12 जे कैप प्लस 12 जे कैप माइनस 4 के कैप बटा 22। अब अलग अलग कर लो, तो माइनस का 18/22, 12/22 और माइनस 4/22, ये होगा डीसी डायरेक्शन कोसाइन। अब इसे सिंप्लीफाई करके हल करके लिख लेंगे। क्या कोई डाउट है? सर कोई भी डाउट नहीं है, सारी चीजें क्लियर हैं। जाने दें आगे सर, जाने दो प्लीज, जाने दो। ओके, एक और सवाल है, दर्शाइए कि ये बिंदु संरेख है। ये कैसे दर्शाते हैं बेटा? ये ऐसे दर्शाते हैं, मान लो ये ए है, ये मान लो बी है, ऐसा मान लेते हैं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी। अब संरेख होता है तो क्या होता है, ध्यान से देखना। ए है ये 2, 3, 4, ये बी है -1, -2, 1, ये सी है 5, 8, 7, ये सी है। ये पॉइंट्स संरेख हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं ए बी वेक्टर लिखूं तो बताइए ए बी वेक्टर क्या आएगा? सर ए बी वेक्टर आएगा -1, -2, दैट इज -3i कैप -5j कैप और माइनस का 3k कैप। और अगर मैं बी सी वेक्टर लिखूं तो 6i कैप +10j कैप और प्लस का 6k कैप। ये आएगा ए बी वैक्टर और बी सी वैक्टर में एक रिश्ता होना चाहिए। कैसा रिश्ता होना चाहिए? संबंध होना चाहिए भाई ए बी और बी सी में। सर कैसा संबंध होना चाहिए? देखो ए बी बराबर लैम्डा टाइम्स बी सी होना चाहिए। लैम्डा मतलब अगर मैं ए बी वैक्टर को ऐसा लिख दूं -3i -5j -3k बराबर, अगर मैंने यहां से 2 कॉमन लिया -2 कॉमन लिया तो बताओ क्या आएगा? -3i कैप -5j कैप -3k कैप। ठीक, ये लैम्डा हो गया और ये वाला क्या हो गया? ए बी वैक्टर हो गया, ये बी सी वैक्टर था। बी सी वैक्टर में से -2 कॉमन लिया, यही आएगा -3i -5j -3k और काम हो जाए। तो यहां से मैंने दर्शा दिया कि अगर ऐसी स्थिति होती है तो ये कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं, ठीक है, संरेख होते हैं। क्या होते हैं? संरेख। ये संरेख है, दिखाना है, तो मैंने ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर को ऐसा कर दिया, ठीक है। अच्छा एक चीज और, अगर ये एक ही लाइन पे आ रहे हैं इसका मतलब मैंने ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, अब अगर आप देखोगे तो ये -2 टाइम्स हो रहा हूं, मतलब ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, या तो इस तरीके से कोलिनियरिटी दिखा देते। लेकिन वेक्टर में हम कैसे दिखाएंगे? ए बी और बी सी जो है वो अगर कोलिनियर है तो ए बी बराबर लैम्डा टाइम्स बी सी हो जाएगा। तो इस तरीके का कुछ स्थिति हो जाएगी, इस तरीके की कुछ स्थिति हो जाएगी, तो ए बी बराबर लैम्डा टाइम्स बी सी। आगे बढ़ते हैं बेटा। इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड अ पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर, ये लाइन, ये इक्वेशन कैसे लिखेंगे? अगर मान लो आपसे पूछा जाए तो कैसे लिखूंगे? आपको एक पॉइंट पता है और एक वेक्टर पता है। अच्छा चलो छोड़ो, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मान लो ये एक डायरेक्शन है, ये एक दिशा है, इसकी तरफ कोई लाइन जा रही है इस दिशा में, ठीक है। तो भाई इस दिशा में बहुत सारी लाइनें हो सकती हैं, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ऐसे करके बहुत सारी लाइनें होंगी इस दिशा में, बहुत सारी लाइनें होंगी, लेकिन ये बिंदु फिक्स कर दूँ तो वैक्टर और बिंदु
अब लाइन फिक्स हो गई, ये लाइन मूव नहीं कर सकती, यही लाइन रहेगी, ये हिल नहीं सकती इधर उधर, तो यही लाइन हो जाएगी। इसका मतलब अगर मैंने कोई एक पॉइंट लिया, एक पॉइंट लिया और उस पॉइंट पे एक वेक्टर भी बना दिया, आप तो बताओ लाइन के लिए हमें एक वेक्टर चाहिए हमेशा। वेक्टर का मतलब होता है उसकी दिशा चाहिए, किस तरफ लाइन जा रही है उसकी दिशा मिल गई और ये पॉइंट मिल गया, पॉइंट कोई भी ए वेक्टर चाहिए और ये बी वेक्टर चाहिए। तो हमें जब भी लाइन लिखनी होगी तो हम हमेशा क्या करेंगे, उस लाइन के पैरेलल कोई वेक्टर लिखेंगे, जो लाइन के जिसकी तरफ जा रहा होगा, जिस इसकी दिशा में जा रहा होगा वो वेक्टर लिखेंगे। अब ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, मान लो इस लाइन पे लाई करने वाला कोई भी पॉइंट ये है, कोई भी पॉइंट इस लाइन पे लाई करने वाला ये है आर वेक्टर, ठीक। अब यही लाइन है, ये मेरी लाइन है, मैंने मान लो ये ए आर वेक्टर बनाया, ए आर वेक्टर, तो जो ए आर वेक्टर बनेगा वो ऐसा बनेगा और बी वेक्टर ऐसा है, तो ए आर और बी में रिश्ता क्या है, क्या रिश्ता है सर? ए आर बराबर लैम्डा बी होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, क्यों होना चाहिए ये बता दो। ए आर बराबर लैम्डा बी क्योंकि ये वेक्टर इसकी तरफ जा रहा है, तो ए आर बराबर लैम्डा बी, यानी कि आर माइनस ए बराबर लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, यानी कि आर बराबर ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, ये मेरा आंसर होना चाहिए। ये लाइन का समीकरण होता है आर बराबर ए प्लस लैम्डा बी, तो आज के बाद इसको भूलेंगे नहीं, आर बराबर ए प्लस लैम्डा बी किसी भी लाइन का समीकरण होता है, ठीक, हमेशा। क्या, अब देखो समीकरण तो वही है, ये बी वेक्टर है, ये पॉइंट ऐसा लिखा है, ये ए वेक्टर है और ये आर वेक्टर है, तो आर बराबर ए माइनस लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी, ठीक है सर, ए प्लस लैम्डा बी हो गया। तो अब दिक्कत क्या है कि सर ये तो वेक्टर इक्वेशन मिली है, कार्टेशियन इक्वेशन का क्या? कार्टेशियन इक्वेशन कुछ नहीं होती, वो ऐसी ही लिखी जाएगी, देखेंगे ध्यान से, कार्तीय समीकरण, कार्तीय समीकरण, कार्तीय समीकरण क्या होगा ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखना। अगर मैंने क्या किया, एक बिंदु लिखा ए वेक्टर, मान लो कोई एक्स वन कॉमा एक्स वाई वन कॉमा जेड वन है, एक्स वन कॉमा वाई वन कॉमा जेड वन है, और बी वेक्टर दिया हुआ है मान लो कुछ ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, तो ये आर वेक्टर कोई भी पॉइंट इस पे एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ये आर हो गया, ये ए हो गया, तो कोई भी पॉइंट जो इस लाइन पे लाई कर रहा होगा वो ऐसा लिखा हो, मतलब आप क्या कर रहे हो, आर माइनस है, मतलब एक्स माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई माइनस वाई वन जे कैप प्लस जेड माइनस जेड वन के कैप, इसको आप किसके बराबर कर रहे हो सर, लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ये लिख रहे हो आप। असल में आप कर क्या रहे हो, आप यही तो लिख रहे हो, आर माइनस ए बराबर लैम्डा बी, यही हो रहा है। यहां से यदि मैं कंपेयर करूं तो एक्स माइनस एक्स वन बराबर ए लैम्डा आता है, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स वन बराबर ए लैम्डा, यानी कि एक्स माइनस एक्स वन बराबर ए बराबर कॉमन बराबर लैम्डा, एक्स माइनस एक्स वन बाई ए बराबर लैम्डा, वाई माइनस वाई वन बराबर बी बटा बी बराबर लैम्डा, और जेड माइनस जेड वन बटा सी बराबर लैम्डा। तकलीफ क्या है पता है, तकलीफ ये है कि ये समीकरण देखने में बहुत अजीब लगेगा, एक्स माइनस एक्स वन बटा ए प्लस y माइनस वाई वन बटा बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बटा सी, ये ए बी सी क्या है, ये उस वेक्टर के कोएफिशिएंट्स हैं जो इसके पैरेलल जा रहा है लाइन के समांतर जो जा रहा है वेक्टर, उसके कोएफिशिएंट्स हैं ए आई कैप बी जे कैप और सी के कैप, और एक्स वन कॉमा वाई वन कॉमा जेड वन वो पॉइंट है जहां से रेखा जा रही है, क्योंकि वेक्टर के पैरेलल तो कई सारी लाइनें हो सकती हैं यार, ये वेक्टर है इसके पैरेलल ये भी लाइन है, ये बहुत सारी लाइनें हो सकती हैं ऐसे करके। अब ये पॉइंट फिक्स कर दोगे तो लाइन फिक्स हो जाएगी, ठीक, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसे याद रखना। अगर इस पे कोई भी बिंदु निकालना है तो इसको लैम्डा के बराबर कर देंगे, अभी सवाल करेंगे हमें निकल जाएगा, हमें पूछा क्या था इसमें दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा, तो दो बिंदुओं से अगर रेखा जाएगी, दो बिंदुओं से यदि कोई रेखा जाएगी तो क्या होगा सर, तो कुछ नहीं होगा, रेखा बना देंगे दो बिंदुओं से रेखा जाएगी, तो मान लो ये A1 वेक्टर है या कुछ भी है, मान लो
मान लो ये है x1 कॉमा x2 कॉमा x1 कॉमा y1 कॉमा z1 और ये है x2 कॉमा y2 कॉमा z2 और ये मेरे को लाइन चाहिए। ये लाइन लाइन बनाने के लिए हमें एक वेक्टर चाहिए b वेक्टर, तो हम b वेक्टर लिख देंगे x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। मतलब मैंने b वेक्टर लिख दिया, ये ab वेक्टर लिख दिया। लिख सकता हूं ना, ये सदिश तो ले सकते हैं बेटा, इस सदिश की तरफ जाएगी और दो बिंदुओं से वैसे भी एक ही रेखा जाएगी, पांच दस तो हो नहीं सकती। अरे हो सकती है क्या? नहीं सर, नहीं हो सकती, एक ही रेखा जाएगी तो वो ऐसे लिखी जाएगी। ठीक, सवालों के साथ साथ हम इसको भी सीख लेंगे। फिलहाल हमने ये बातें जान ली। आखिरी चीज आती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। एक बार पहले मैं कुछ सवाल करवा देता हूँ, फिर मैं इस पॉइंट पे दोबारा आऊंगा। ठीक है, यस सर। अब क्वेश्चन दिया है बिंदु 1, 2, 3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो इस सदिश के समांतर है। तो हम दोनों ही रूप ज्ञात करेंगे, वेक्टर रूप और कार्तीय रूप। ये 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप और वेक्टर है 1, 2, 3। ये पॉइंट है। तो हमने क्या पढ़ा था, r बराबर a प्लस लैम्डा b। a मतलब ये वाले का पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, और लैम्डा b, b मतलब ये। तो ये b वेक्टर मान लो और ये a मान लो। तो r बराबर a मतलब i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर। बेटा ये रहा 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। ये हो गया r बराबर a प्लस लैम्डा b, r बराबर a प्लस लैम्डा b। ये r वेक्टर है, r बराबर a प्लस लैम्डा b। ये मेरे को इक्वेशन मिल गई। इसका कार्तीय समीकरण अगर लिखना हो तो देखो ध्यान से कैसे लिखते हैं। x माइनस x1 बाई a बराबर y माइनस y1 बाई b बराबर z माइनस z1 बाई c। कोई भी पॉइंट, मतलब ये पॉइंट दिया हुआ है हमने उठा लिया, तो x माइनस वन बाई ए मतलब x वाले का कोएफिशिएंट उठाऊंगे। सीधे सीधे ये जानकारी रखो, ये 3 आ गया, y माइनस y1 मतलब 2 बटा 2, इसके कोएफिशिएंट 2, z माइनस z माइनस z1, z1 का मतलब माइनस 2 बटा, याद रखें ये लिखा है ऐसे ही होना चाहिए, लिखा है ऐसे ही होना चाहिए। कभी अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ आ जाए, मान लो कभी ऐसा आ जाए भाई, ठीक है आपको रेखा दी हुई है x माइनस वन बाई टू वाई माइनस टू बाई थ्री और थ्री माइनस जेड बाई फोर, तो ये रेखा को आप ऐसे मत लिखना कि ये टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप की तरफ जा रही है प्लस फोर के कैप की तरफ जा रही है, ये गलत है क्योंकि यहां पर z के साथ नेगेटिव लगा हुआ है। नेगेटिव वाली चीज को हटाएंगे, ये लिखेंगे z माइनस थ्री बाई माइनस फोर। अब ये 2, 3 और माइनस 4, तो b वेक्टर क्या आएगा, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। गधा मत बन जाना एकदम, समझे? बनोगे क्या? नहीं बनेंगे सर, नहीं बनेंगे, पक्का ना? तो याद रखना है ना। अच्छा मान लो ऐसा लिखा हुआ आ जाए 2x माइनस 1 बाई 2 बराबर y माइनस 1 बाई 3 बराबर z माइनस 4 बाई 5, तो अभी भी ये 2, 3, 5 गलत है, ये वेक्टर गलत है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, ये गलत है बेटा, क्योंकि x के साथ 2 है, x, y, z के साथ तीनों के साथ 1, 1, 1 होना चाहिए, 2 से भाग देंगे, ये आएगा x माइनस 1 बाई 2, x माइनस 1 बाई 2 बटे 1 बराबर y माइनस 1 बाई 3 बराबर z माइनस 4 बाई 5। अब सही है, मतलब ये आएगा i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, ये b वेक्टर हो, ये करेक्ट है, बाकी ये वाला गलत है और ये वाला गलत है, ये सही है। अगला सवाल, दर्शाइए कि बिंदु से होकर जाने वाली रेखा बिंदुओं से भी होकर जाती है, अच्छा इससे समांतर है, होकर नहीं, इन दोनों बिंदुओं से जाती है, मतलब ऐसा है 4, 7, 8, 2, 3, 4, ये ए और बी है और ये जो दोनों बिंदुओं को जोड़ रही है पॉइंट -1, -2, 1, 2, 5, ये मान लो पी क्यू है। तो हमें ये पता है कि ए बी वेक्टर
पैरेलल टू पी क्यू वेक्टर होगा। पैरेलल मतलब इसी दिशा में जाएगा, ये बताना है, दर्शाना है। तो पहले हम ए बी वेक्टर लिखेंगे, लिख लेते हैं ए बी वेक्टर, वो कितना होगा माइनस टू आई कैप माइनस फोर जे कैप माइनस फोर के कैप। फिर हम पी क्यू वेक्टर भी लिखेंगे, पी क्यू वेक्टर क्या होगा टू आई कैप माइनस प्लस फोर जे कैप और प्लस का फोर के कैप। तो पी क्यू वेक्टर में यदि माइनस कॉमन ले लें तो क्या माइनस टू आई माइनस फोर जे माइनस फोर के, यानी कि माइनस टाइम्स ए बी वेक्टर आ रहा है ना, यानी कि पी क्यू बराबर लैम्डा ए बी आ रहा है, आ रहा है सर, आ रहा है, एकदम आ रहा है, खत्म हो गया। पी क्यू बराबर लैम्डा ए बी का मतलब समांतर है, ये जो लाइन यहां से जाएगी ना वो इसके पैरेलल होगी, ये पक्की बात है, ठीक है, प्रूफ हो गया, सिद्ध हो गया। अगला सवाल, बिंदु जिसकी स्थिति सदिश ये है से गुजरने वाला सदिश की दिशा में जाने वाली रेखा का सदिश और कार्तीय समीकरण। फिर से वही चीज है, एक बिंदु दिया हुआ है 2, -1, 4, ये दिया हुआ है, ये ए वेक्टर है और इसकी तरफ जा रही है, बी वेक्टर दिया हुआ है आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस के कैप। तो आर वेक्टर बराबर 2i-j+4k ए प्लस लैम्डा बी वाला यहां से उठा लो आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस के। कार्तीय समीकरण लिखना है तो कार्तीय समीकरण कुछ नहीं होता, x-x1 मतलब x-2/1 बराबर y-1 बटा कितना आएगा बेटा यहाँ पे 2 आएगा जी सर, और z माइनस, और ये किसके बराबर आएगा सर, ये आएगा z माइनस 4/-, ये कार्तीय समीकरण हो गया, ये हो गया x-2/1 बराबर y+1/2 बराबर z-4/-। तो इससे ज्यादा कुछ रेखा में है नहीं, कोई भी पॉइंट निकालना हो बड़ी आसानी से निकल जाएगा, पक्की बात है सर, निकल जाएगा, जान दो एकदम, आगे जान दो। अच्छा ठीक है भाई, अगला सवाल, उस रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं से जाती है और इस रेखा के समांतर है। दो रेखाएं समांतर हैं, मतलब क्या कह रहा है कि इसका जो वेक्टर है 3i+5j+6k, इसका वेक्टर जो है ये रेखा L1 है, ये रेखा L2 है, इसके वेक्टर के पैरेलल होगी, क्योंकि ये रेखा इसी वेक्टर के पैरेलल है, ये रेखा इसके समांतर है, तो ये इसके वेक्टर के पैरेलल होगी। और पॉइंट क्या होगा -2, -4, -5 होगा, पॉइंट क्या होगा -2, -4, -5 होगा, ठीक है, यस सर। तो इसका मतलब रेखा का समीकरण L2 का समीकरण आएगा R बराबर -2i+4j+5k+λ(3i+5j+6k)। बस आप क्या है, सवाल करते टाइम ये ध्यान रखिएगा कि ये स्टैंडर्ड रूप में लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई, ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये स्टैंडर्ड रूप में जो स्टैंडर्ड रूप है उसमें लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, मतलब z के साथ माइनस तो नहीं लिखा हुआ, 2z तो नहीं लिखा हुआ, ऐसा लिखा होगा तो फिर आप गलत कर दोगे अगर आप उसको सही नहीं करते तो इस प्रकार से अगर लिखी हुई है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, जान दो ऐसे, ठीक है, यस सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, जान देते। बिंदुओं इन दोनों से गुजरने वाली रेखा का सदिश और कार्तीय समीकरण रूप, ये तो अब वही वैसा ही सवाल है, ये आप खुद कर लेंगे, ये HW में लिख देते हैं, हम खुद ही कर लेंगे जी सर। आगे बढ़ते हैं, जरा डिस्टेंस वाली चीज पे आते हैं, डिस्टेंस वाली चीज, न्यूनतम दूरी पे आते हैं लाइन के, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल, दो पैरेलल लाइंस के बीच की दूरी, सॉरी बिटवीन टू लाइंस। अब स्पेस में रेखाएं कैसी हो सकती, रेखाएं सबसे पहली चीज या तो समांतर हो सकती, 3D में समांतर हो सकती, समांतर का मतलब ऐसे हो, दूसरी चीज या फिर प्रतिच्छेदी हो सकती, यानी कि ऐसी कर इंटरसेक्ट, या फिर विषमतलीय स्क्यू हो सकती, क्यों बोले तो ऐसे और ऐसे,
अब तुम्हें स्क्यू लाइन का मतलब मैं समझाता हूँ। स्क्यू लाइन का मतलब होता है, जैसे मान लो ये एक लाइन है, ये ऐसे लाइन है, बिल्कुल लाइन है, आप इस लाइन को हिला नहीं सकते। कोई भी वेक्टर हमारे लिए, वेक्टर तो फ्री होता है रोटेट करने के लिए, फ्री मतलब रोटेट मतलब वेक्टर फ्री मतलब मूव करने के लिए, रोटेट करने के लिए नहीं, सॉरी, वेक्टर फ्री होता है मूव करने के लिए। उसका परिमाण और जो डायरेक्शन है, दिशा, उसको प्रोटेक्ट करते हुए मतलब बराबर मानते हुए आप कहीं भी ले जा सकते हो, ठीक। हाँ, अब देखो लाइन क्या है, ये लाइन हो गई, फिक्स हो गई, ये हिलेगी नहीं, है ना, ये हिलेगा नहीं लाइन, ठीक है, ये ऐसी ऐसी लिखी हुई है। और दूसरी लाइन अगर मान लो मैं ऐसे लिख दूं, पैरेलल भी ना हो ना ही इंटरसेक्टिंग हो, जो पैरेलल भी नहीं होती और इंटरसेक्टिंग भी नहीं होती वो स्क्यू होती है। अब दूसरी लाइन कुछ ऐसे जा रही है, मान लो ऐसे करके, अब डिस्टेंस कम हो रहा है, कम हो रहा है समय के साथ, लेकिन जीरो नहीं हो रहा, कभी ज्यादा है कभी कम है। तो यहाँ पे डिस्टेंस कभी ज्यादा है कभी कम है, यहाँ पे हमेशा डिस्टेंस, दूरी हमेशा समान होती है, तो पैरेलल ऐसे बनेगी। पैरेलल ये है, दिख नहीं रहा, पैरेलल लग नहीं रहा, चलो पैरेलल ऐसे समझ लेते हैं, तुम्हें दिखेगा ही नहीं कैमरे में, तो पैरेलल रेखा ऐसी कुछ है, एक ऊपर है एक नीचे, पैरेलल है, ठीक है। और स्क्यू मतलब ऐसे कुछ, ये लाइन जा तो रही है, कम हो रही दूरी, लेकिन कभी मिल नहीं रहे, ये इसको क्रॉस कर देगी लेकिन मिलेगी नहीं इससे कभी भी, तो ये दूरी कभी ज्यादा है कभी कम है, तो ये स्क्यू डिस्टेंस, स्क्यू लाइंस होती है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ रहा है, अच्छा समांतर कब होगी, जब लाइन के वेक्टर्स जो हैं वो पैरेलल होंगे, ये तो दिख जाएगी बहुत आसानी से, ये दोनों दिखेगी नहीं, चेक करना पड़ता है, ठीक है सर। तो अब अगर लाइंस विषम तली है तो ध्यान दीजिएगा, यदि लाइंस विषम तली है तो जो ये वाला वेक्टर है ये A1 वेक्टर है, ये A2 वेक्टर है, और ये B1 है और ये B2 है, तो सीधा सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का, डिस्टेंस दोनों पे लंब होगा, इस पे भी लंब है और इस पे भी लंब है, तो ये जो D है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसका फॉर्मूला याद रखें, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2 बटा मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2, ठीक है, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, इसे याद रख लें आप, इसे याद रख लो, कैसे आता है क्या आता है ये जानने का भी लोड नहीं है, आप तो बस याद रख लो कि भैया ये फॉर्मूला होता है, ये लगा के आ जाएंगे इम्तिहान में, अगर आया तो हम ऐसे लिख देंगे काम। यदि दोनों लाइनें पैरेलल है, समांतर है तब क्या होगा, तब ऐसा होगा कि भैया ये डिस्टेंस डी है और ये मान लिया मैंने कोई भी पॉइंट ले लिया, A1 वेक्टर ले लिया, ये कोई भी पॉइंट ले लिया A2 वेक्टर, ये जरूरी नहीं है यहाँ पे हो, यहां से कहीं भी कोई दूसरा पॉइंट ले लिया A2 वेक्टर, ये डिस्टेंस D है, तो D वेक्टर होता है A2 माइनस A1 क्रॉस B वेक्टर बटे मॉड B, क्योंकि दोनों की दिशा इस बार B वेक्टर की तरफ ही, तो ये दो फॉर्मूले हैं, प्लीज इसे याद रख लीजिए, आसानी से याद हो जाएगा कि भैया कुछ नहीं करना होता, जब विषम तली आएगी स्क्यू आएगी, जब लाइन स्क्यू आएगी जो कि ना ही पैरेलल है ना ही इंटरसेक्टिंग है, तो इसका मतलब हमें डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2। यदि आपने फॉर्मूला लगा दिया, आप तो फॉर्मूला लगा देना, अगर फॉर्मूला लगाने के बाद ये चीज जीरो बन जाती है, मान लो कभी जीरो हो गया तो इसका मतलब जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो जीरो है, इसका मतलब लाइनें मिल रही हैं कहीं ना कहीं। अरे भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, जो कम से कम दूरी है, तो अगर कहीं मिलेंगी तो वो दोनों पॉइंट सेम हो जाएंगे, तो डिस्टेंस जीरो हो जाएगा, अगर मिल गई तो लाइंस प्लेनर हो जाती है। यहां लिख देता हूं, यदि डी बराबर जीरो होता है इसका मतलब रेखाएं समतलीय तब प्रतिच्छेदी इंटरसेक्टिंग, ठीक है, प्रतिच्छेदी, अगर ऐसा होता है तो रेखाएं समतली हैं, डी जीरो आता है, ठीक। तो याद रख लेंगे इस पॉइंट को सर, बिल्कुल याद रख लेंगे। सवाल करते हैं, इन रेखाओं के बीच में न्यूनतम दूरी निकालनी, न्यूनतम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी निकालनी। ये रेखाएं पैरेलल लग रही है क्या? नहीं सर, ये वाला वेक्टर इसके पैरेलल नहीं लग रहा, नहीं है, इसके पैरेलल नहीं है ये वाला वेक्टर, तो इसका मतलब लाइन स्क्यू हो सकती है। ये A1 वेक्टर बताइए क्या आ रहा है? सर वो आ रहा है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। A2 वेक्टर बताइए फटाफट कितना आ रहा है? सर वो आ रहा है 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। तो A1 माइनस A2 बता दीजिए, या A2 माइनस A1 कोई भी एक वेक्टर लिख, चलो A2 माइनस A1 लिख ले, बताइए क्या आएगा? ये आएगा आई कैप माइनस 3j कैप और माइनस का 2k कैप। B1 वेक्टर बता दीजिए, B1 वेक्टर सर B1 वेक्टर है i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप।
पी टू वेक्टर बता दीजिए बेटा, वो आएगा टू आई प्लस जे प्लस टू के, तो बी वन क्रॉस बी टू बता दीजिए, बता देते हैं सर, आई जे और के ये हो गया वन माइनस वन वन टू वन टू, बताइए क्या आ रहा है, I के साथ आ रहा है प्लस माइनस प्लस, I के साथ आ रहा है माइनस टू माइनस वन यानी कि माइनस का थ्री, माइनस का J के साथ आ रहा है टू माइनस टू जीरो, और K के साथ आ रहा है, K के साथ आ रहा है, K के साथ आ रहा है वन प्लस टू यानी कि थ्री, I के साथ माइनस थ्री आएगा माइनस टू माइनस वन, तो ये हो गया माइनस थ्री आई कैप प्लस थ्री के कैप, ये मिल गया बी वन क्रॉस बी टू, जी सर बिल्कुल मिल गया। अब ए टू माइनस ए वन और बी वन क्रॉस बी टू दोनों मिल गए, ए टू माइनस ए वन जो वेक्टर है उसका डॉट कर देंगे बी वन क्रॉस बी टू के साथ बटा मॉड ऑफ बी वन क्रॉस बी टू लिख देंगे, ये मेरा का डिस्टेंस डी मिल जाएगा। बताइए डिस्टेंस डी कितना आएगा, यहां से देख के बताते हैं सर, यहां पर ए टू माइनस ए वन आई माइनस थ्री जे माइनस टू के, आई माइनस थ्री जे माइनस टू के, और इसका डॉट किया b1 क्रॉस b2 के साथ, बताओ क्या होगा b1 क्रॉस b2, सर b1 क्रॉस b2 है माइनस थ्री आई प्लस थ्री के, माइनस थ्री आई प्लस थ्री के, और इसका मैग्नीट्यूड लिखना है तो रूट ओवर तीन का वर्ग प्लस तीन का वर्ग, यानी कि ये कितना आ गया बेटा, यहां से थ्री कॉमन ले लेते हैं, चलो मल्टीप्लाई कर देते, माइनस थ्री आई डॉट आई माइनस थ्री और प्लस का माइनस का सिक्स बटा थ्री इंटू रूट टू, सर डिस्टेंस नेगेटिव कैसे हो गया, तो मॉड लगा ले भाई, ये ले मॉड लगा ले, ठीक है यहाँ भी मॉड लगा लो भाई, यहाँ भी मॉड लगा लो, ये लो ठीक है, अरे मतलब यार अब ठीक है ना, अगर नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा है वो तो तुम सही कर लोगे ना, कर लोगे ना सर, कर लेंगे सर, तो डिस्टेंस डी आ गया, कितना आ गया मॉड लगा लिया, कितना आया छः और तीन नौ, नाइन बाई थ्री रूट टू, और यदि अच्छे से देखें तो ये थ्री आ जाएगा यानी कि थ्री बाई रूट टू, ये आंसर हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा, जीरो आ गया होता तो पैरेलल हो जाती ना, सॉरी लाइंस इंटरसेक्टिंग हो जाती, ठीक। अब पैरेलल लाइन आती तो बस वो भी कुछ नहीं करते, ए वन माइनस ए टू करते, ए टू माइनस ए वन करते, ए टू माइनस ए वन करते, यहाँ पे मेरे को ए टू माइनस ए वन लिखना था, ए टू माइनस ए वन वेक्टर डॉट ऐसा करा, ठीक, उसके साथ क्रॉस कर लेते हैं बी वेक्टर का और नीचे बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वो थोड़ा आसान हो जाता, ये हो सकता है कैलकुलेशन वाले पोर्शन में थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन हो, तो चलो कोई बात नहीं, सवाल तो अपने आसानी से हो जाएगा ना, और लिख लेंगे यार, कहानी तो लिखनी है, चिपका देंगे कहानी, क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है सर आपकी बात मान लेते हैं, चलिए रेखाएं वाला सेक्शन भी हमारा ओवर होता है, हम आ गए हैं प्लेन पर, कहां पर आ गए हैं प्लेन पर, हवाई जहाज में नहीं बैठे बेटा, कहां बैठे हो सर, प्लेन पे बैठे हैं, अरे मतलब ये प्लेन जो है ये वाला प्लेन, प्लेन का मतलब होता है, आप ध्यान दीजिएगा आराम से समझिएगा, कि जैसे मान लो कोई एक पॉइंट है और ये या आप तो देखो कि ये प्लेन है मान लो समतल, और ये एक वेक्टर है जो इससे लंबवत है, एक नॉर्मल वेक्टर पता है जो प्लेन के परपेंडिकुलर है, प्लेन क्या होता है पहले तो मैं ये समझा देता हूँ, प्लेन मतलब जैसे ये बोर्ड है ये प्लेन है ना, ऐसे सभी पॉइंट्स का लोकस जो कि एक गिवन वेक्टर से, गिवन वेक्टर से परपेंडिकुलर उस पॉइंट के लोकस, लोकस मतलब बिंदु पथ जो आएगा वो प्लेन होगा, तो आपको बहुत ज्यादा जानकारी से मतलब नहीं, आपके लिए क्या मतलब है, एन वेक्टर जो है वो एक पैरेलल परपेंडिकुलर वेक्टर होता है, एन वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन, प्लेन के परपेंडिकुलर समतल, समतल के लंबवत है, समतल के लंबवत है, समतल के लंबवत है ये प्लेन, फिर क्या होगा, फिर एक कोई पॉइंट गिवन होगा भाई समतल के लंबवत, तो ये भी है, ये मान लो ये वेक्टर है, इस वेक्टर, ये वेक्टर लिखा हुआ है, इस वेक्टर के परपेंडिकुलर मतलब ऐसे प्लेन एक बन गया, एक ऐसे बन गया, एक और बन गया, एक और बन गया, ऐसे करके बहुत सारे प्लेन आएंगे, ऐसे करके बहुत सारे प्लेन आएंगे, तो अगर पॉइंट फिक्स कर दोगे तो प्लेन भी फिक्स हो जाएगा, भाई ये वाला प्लेन है, ये वाला प्लेन क्या है, इसका वेक्टर ए वेक्टर, और मान लो यहाँ पे कहीं कोई पॉइंट लिया मैंने, आर वेक्टर ले लिया, मान लो मैंने कहीं भी एक पॉइंट ले लिया, इसमें इस पे कहीं भी एक पॉइंट ले लिया, ये आर वेक्टर, ये आर वेक्टर,
आर माइनस ए, ये जो ए आर वैक्टर होगा इसका डॉट एन वैक्टर के साथ सदैव जीरो आएगा। बोलो क्यों, बोलो क्यों, क्यों बोलो, बोलो जल्दी बोलो। सर इसलिए आएगा, इसलिए आएगा क्योंकि ये वैक्टर ये इस प्लेन में है और ये इसके बाहर है। पहले भी बताया है कि भैया प्लेन के बाहर वेक्टर आ रहा है, ये परपेंडिकुलर है, ये वेक्टर यहाँ पे है, तो ये वेक्टर और ये वेक्टर के बीच में कोण कितना आ रहा है, 90 डिग्री का आ रहा है, तो जीरो आएगा, यानी कि ए आर डॉट एन वेक्टर बराबर जीरो आएगा। ठीक है, अच्छा इसमें हमें वेक्टर में वही चीज नहीं पढ़नी, लाइन के बीच का एंगल नहीं पढ़ना, इसलिए मैंने वो पढ़ाया भी नहीं। प्लेन के बीच का और लाइन के बीच का भी एंगल नहीं पढ़ना और प्लेन के बीच का भी एंगल नहीं पढ़ना। ठीक है, केवल एंगल वाली चीज नहीं पढ़नी और जो ट्रिपल प्रोडक्ट होता है वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वो भी नहीं पढ़ना, तो सिर्फ इतनी चीजें पढ़नी, तो जितनी पढ़ाई गई है उतना ही पढ़ लो बस, सफिशियंट है। ठीक है, अब देखो ए आर डॉट एन वाली वैल्यू लिखी हुई है, ए आर डॉट एन बराबर जीरो है, तो बताओ ए आर वैक्टर क्या बनेगा। सर वो बनेगा आर माइनस ए और डॉट कर दिया एन के साथ तो वो जीरो आएगा, यानी कि ये आर डॉट एन बराबर ए डॉट एन आएगा। जी सर आएगा, यानी कि यदि मैं लिखूं आर डॉट एन बराबर डी, क्योंकि ए और एन कांस्टेंट आएगा, ये प्लेन का समीकरण। याद रखेंगे आज से कि प्लेन का वेक्टर समीकरण क्या होता है, आर डॉट एन बराबर डी। और अगर मैं इसी चीज को कार्टेशियन लिखूं, कार्तीय रूप लिखूं, कार्तीय रूप, तो वो कार्तीय रूप वापिस वही एक्स वाई जेड मान लेना, इसका ए कैप बी कैप सी कैप मान लेना, तो वो आएगा एक्स ए या ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर डी या प्लस का डी बराबर जीरो। ये कार्तीय रूप आप, ये सीधा सीधा लग रहा है, लग तो रहा है। अच्छा ये कार्तीय रूप आएगा कैसे, जहां पर एन वेक्टर जो होगा वो होगा ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अगर कोई पॉइंट, कोई भी पॉइंट प्लेन में लाई कर रहा है तो उस पॉइंट को उठा के इस समीकरण में रख देंगे, अगर जीरो आता है मतलब दोनों तरफ बराबर होता है तो ये प्लेन में है, वरना ये नहीं। ठीक, सिंपल सिंपल इतनी सी कहानी है और कोई भी कहानी नहीं है, एडिशनल कहानी नहीं पढ़नी है आपको। ठीक है सर, फॉर्मेशन ऑफ अ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म ये हम पढ़ा चुके हैं, आपको बता चुके हैं भी प्लेन क्या होता है, उसका समीकरण भी हमने लिख दिया, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसमें एक चीज और देख लेते हैं यार, एक चीज और देख लेते हैं। यदि मान लो कोई समतल है, यदि कोई समतल है, ये भी आपको पूछता है, यदि कोई समतल है और मान लो ये आपने एन वेक्टर बना दिया, मान लो ये एन वेक्टर है, एन वेक्टर, तो अगर मैं आर डॉट एन कैप लेता हूं, एन कैप आर डॉट एन कैप से लिखता हूं, तो ये जो डी आए, ये जो डी, ये होगा मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से, ये याद रखें, ये याद रख लेंगे ऐसे के ऐसे। अभी लोड नहीं लेनी कि क्यों ऐसा हुआ, ठीक है फिलहाल ये समझ लो कि अगर मैंने एन वेक्टर की जगह एन कैप कर दिया, जैसे आर डॉट एन बराबर डी आ रहा था, अगर मैंने r डॉट n कैप कर दिया, n वेक्टर की जगह n कैप कर दिया, n कैप करने के लिए मुझे उसके मॉड से डिवाइड करना पड़ेगा, तो जो भी यहाँ चीज आएगी वो चीज मूल बिंदु से दूरी आएगी। क्या आएगी, मूल बिंदु से दूरी, इसे याद रख लेना। ये नॉर्मल फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है कि भैया अगर कभी मूल बिंदु से दूरी दी हुई है और एक n कैप दिया हुआ है, यूनिट वेक्टर दिया हुआ है, तो r डॉट n बराबर d लिख देंगे, सबसे सिंपल तरीका है। अब अगला बोला है इक्वेशन ऑफ अ प्लेन परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर एंड पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, ये बात हमने अभी लिख ली, आर डॉट एन बराबर डी, ये हमने लिख दिया, किसी पॉइंट से जा रही है, किसी पॉइंट से जा रहा है प्लेन, और इसके लंबवत बना लेते हैं प्लेन को, बिल्कुल तिरछा बना लीजिए ऐसा करके, ओ यहां से ऊपर ले गए, ये एन वेक्टर है, ये n वेक्टर है, ये प्लेन है और ये कोई पॉइंट है, तो r डॉट n बराबर d, यही चीज लिखी हुई। अभी सवाल करेंगे तो सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ये तुम लोग खुद बता दो, सोचो। अब मेरे लिए क्या है, मेरे लिए केवल एक ही चीज है, क्या अगर मुझे प्लेन का समीकरण निकालना है, अगर मुझे प्लेन का समीकरण निकालना है तो मैं प्लेन के बारे में यह सोचूंगा
कि एक नॉर्मल वेक्टर मिल जाए और एक पॉइंट मिल जाए। क्या सोचूंगा, एक नॉर्मल वेक्टर मिल जाए और एक पॉइंट मिल जाए, मतलब प्लेन के लंबवत वेक्टर मिल जाए और एक पॉइंट मिल जाए, सिर्फ मेरा यही काम होगा और कुछ भी नहीं होगा। तो अगर कभी ऐसा होता है कि भैया प्लेन है जो तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से जा रहा है, ये मान लो ए है, ये मान लो बी है और ये मान लो सी है, तो मुझे नॉर्मल वेक्टर निकालने के लिए ए बी और बी सी का क्रॉस करना पड़ेगा। कर दूं? बिल्कुल कर दीजिए। ए बी वेक्टर ये रहा, बी सी वेक्टर ये रहा, इन दोनों का क्रॉस कर देता हूं, नॉर्मल वेक्टर आ जाए। या सी बी कर दो, ए बी क्रॉस सी बी कर दो, चलो बी सी भी कर सकते हो, एक ही बात है, मतलब नॉर्मल वेक्टर ऊपर नीचे इस तरफ ही आ जाएगा। ऐसा कर दिया आप, ठीक है। फिर से समझाता हूँ, मान लो चलो ऐसा है कुछ, ध्यान से देखना। ये मान लो अपने पास ए है, ये मान लो अपने पास बी है और ये मान लो अपने पास सी, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा करता हूं कि वापस वही देख लो कि भैया आपने इसका और इसका क्रॉस किया, तो क्रॉस किया तो नीचे जाएगा, नीचे जाएगा उससे क्या फर्क पड़ रहा है, नीचे जाए ऊपर जाए अल्टीमेटली मिल तो एन वेक्टर जाएगा ना। एन वेक्टर लिखा, उसको लिखा ए बी क्रॉस बी सी से, सी बी कर दो कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारी मर्जी। तुम ऐसा भी कर सकते हो, ए सी वेक्टर भी बना सकते हो, किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे। किसी भी दो वेक्टर का अगर आपने क्रॉस प्रोडक्ट किया तो क्या होगा बेटा, क्रॉस करने से वेक्टर नॉर्मल आ जाएगा, प्लेन के बाहर चला जाएगा। ऐसे करके ए क्रॉस बी करने से प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर मिला। वेक्टर अगर परपेंडिकुलर मिला प्लेन के, तो कोई भी एक पॉइंट उठा करके समीकरण लिख देंगे, आर माइनस सॉरी आर डॉट एन वेक्टर बराबर ऐसे लिख देंगे, किसी भी एक बिंदु से। अब तुम्हें ये बात अभी समझ में आएगी, सवाल करने पर ही समझ में आएगी। मैं सवाल करवाता हूं, ठीक है। यस सर, प्लीज सर सवाल करवाइए। इंटरसेप्ट इक्वेशन क्या होती है ये भी देख लेते हैं। ये होती है, अगर मैं कभी लिखता हूं प्लेन का समीकरण ax प्लस by प्लस cz प्लस बराबर d है, ऐसा लिखा है, मानो प्लस d बराबर 0 लिखा हुआ है। आप तो ये बताओ x बटा a प्लस y बटा b प्लस z बटा c बराबर 1, ये होता है इंटरसेप्ट इक्वेशन। सरल रेखा में, स्ट्रेट लाइन में, 2d में आपने देखा था, 2D में तो आपने देखा ही था ना कि भैया अगर ये लाइन A इंटरसेप्ट यहां बनाती है, B यहां बनाती है, तो X by A plus Y by B क्या होता है, 1 होता है। ये सरल रेखा है, ये 2D की बात है। तो 3D में जो प्लेन होता है वो A जो है वो X इंटरसेप्ट, क्या है, X इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट मतलब X अंतः, Y मतलब Y इंटरसेप्ट, और Z मतलब, ये C मतलब Z इंटरसेप्ट, क्या है, Z इंटरसेप्ट। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसमें इसके बाद समझ माने में थोड़ी मुश्किलें आएंगी, ठीक है। अब जैसे ये सवाल है, निम्नलिखित प्रतिबंधों के अंतर्गत समतलों का सदिश एवं कार्तिक समीकरण दोनों के दोनों ज्ञात करने हैं। ये पॉइंट से जाता है और इस समतल पर अभिलंब है, इस समतल पर अभिलंब नहीं है, इस निम्नलिखित और ये वेक्टर, अच्छा ये वाला वेक्टर समतल पर अभिलंब है, मतलब ऐसा है, चित्र बना लेते हैं पहले, फोटो बना लिया, तो ये आ गया 1, 0, -2, इससे परपेंडिकुलर वेक्टर ये है आई कैप प्लस जे कैप माइनस के, ऐसा ले, इससे लंबवत वेक्टर ये रहा, और ये पॉइंट अपने को दिया हुआ है, पॉइंट भी दिया है, परपेंडिकुलर वेक्टर भी दिया है, ऐसा भी दिया हुआ है, क्या करें। सर हमने पढ़ा था, कोई भी पॉइंट लेते हैं आर वेक्टर, तो आर माइनस ए, ए मतलब ये रहा, क्या है, आई कैप माइनस टू के कैप डॉट एन वेक्टर मतलब आई प्लस जे माइनस के बराबर सी, यही पढ़ा था ना, आर माइनस ए डॉट एन बराबर जीरो, ये पढ़ा था सर, बिल्कुल पढ़ा था। ये वाला वेक्टर बनाया और इस वेक्टर का इसके साथ डॉट लिया, बेटा घिसका के इधर ले आएंगे, मैंने बोला ना ट्रांसलेट कर सकते, घिसका के इधर ले आएंगे, डॉट करेंगे जीरो आएगा, जीरो आया तो बताओ क्या आंसर आ रहा है, सर ये आ रहा है आर डॉट आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, और माइनस का ये कितना आ रहा है बेटा, माइनस का 1, ये आ रहा है 1, और के कैप प्लस का 2 प्लस 1 3 बराबर 0,
यानी कि समीकरण मेरा आ रहा है, समीकरण आ रहा है, आराम से सुनिए, समीकरण आ रहा है r डॉट i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप बराबर, ये आ रहा है समीकरण। कार्तीय समीकरण लिखना है तो कैसे लिखेंगे याद रखें, कैसे लिखेंगे ध्यान से देखना। r को लिखा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, जब आप डॉट प्रोडक्ट लिखोगे तो ये आएगा x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 3। तो अब अगर यहां से यहां जाना हो या यहां से यहां जाना हो, चले जाओगे क्या? सर चले जाएंगे सर, यहां से यहां जाना काफी आसान है, r को x y z नहीं भी लिखोगे तो आपको अब ये बात समझ में आती है, फील होती है कि इसके गुणांक यहां आते हैं और ये वाली वैल्यू यहां आती है सीधे सीधे। तो ये वाला रूप कई बार जरूरी होता है, कई बार ये वाला रूप जरूरी होता है, दोनों में से कोई भी रूप आपका प्रयोग हो सकता है। ये रूप दूरी वगैरह निकालने के लिए उपयोग में आता है, ये वाला रूप लिखेंगे तो कई बार नॉर्मल वेक्टर या इन सारी चीजों में ये रूप इस्तेमाल होता है, जैसे ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है तब। अगला सवाल, इस समतल द्वारा काटे गए अंतःखंडों को ज्ञात कीजिए। तो समतल को मेरे को लिखना है कैसा, एक्स वाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी बराबर 1 लिखना है। यदि मुझे ये लिखना है तो मैं इसको एक्स बटा 2x बटा 5 प्लस y बटा 5 माइनस z बटा 5 बराबर 1, यहां 1 होना चाहिए जी सर, तो x बटे 5 बाई 2 लिख दिया प्लस y बटे 5 लिख दिया प्लस z बटे माइनस 5 लिख दिया बराबर 1। ये हो गया x इंटरसेप्ट, ये हो गया y इंटरसेप्ट और ये हो गया z इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब होता है यदि y और z दोनों जीरो हो जाए तो जो प्लेन है वो x एक्सिस को कहाँ काटे। अगर आप इंटरसेप्ट रूप लिखने में आपको दिक्कत होती है कभी, आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लो ये प्लेन है, ये प्लेन यदि x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट और z इंटरसेप्ट, ये मान लो a कॉमा 0 कॉमा 0 है, ये y इंटरसेप्ट 0 कॉमा b कॉमा 0 है और z इंटरसेप्ट 0 कॉमा 0 कॉमा c है। आपको दिख रहा होगा कि भैया ये प्लेन है, ऐसे काट रहा है, अब आपको ये 3 पॉइंट से प्लेन जा रहा है, इसका समीकरण आप लिख सकते, लिखेंगे तो आपको वही मिलेगा। ठीक है, अभी मैं लिखता हूं 3 वाला भी। अब सवाल दिया है कि उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो समतलों के प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाता है। फिलहाल रुक जाओ, प्रतिच्छेदन रेखा वाला सवाल अभी हम करने वाले हैं, ये वाला सवाल पहले, ये वाला सवाल करेंगे। क्या सवाल है भाई? सवाल है उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु 7 से मात्रक, मूल बिंदु से 7 मात्रक दूरी पर है और सदिश पर अभिलंब है। इस सदिश पर अभिलंब है तो पहले हमने n वेक्टर लिखा, वो लिखा 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k। अब मैं लिखूंगा कैसे प्लेन की इक्वेशन, r डॉट n कैप बराबर d, d का मान 7 दिया हुआ है, मूल बिंदु से दूरी दी हुई है, मूल बिंदु से दूरी के टर्म में तभी लिख पाते हैं जब n कैप लिखते हैं, तो यहां n कैप लिख लेते हैं। n कैप कितना है बेटा, ये आएगा 3i प्लस 5j माइनस 6k बटा रूट का 3 का वर्ग, 5 का वर्ग और 6 का वर्ग, 36 और 9 45, 50, 60, 70 आ रहा है, ये 25 हो गया ना ये, और ये 36 हो गया और ये 9 हो गया, 45 और 25, 60, 70, रूट 70, यानी कि 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप बटा रूट का 70, रूट का 70 मतलब यहां लिख दो r डॉट 3i प्लस 5j माइनस का 6k बटा रूट का 70 बराबर 7, यानी कि r वेक्टर डॉट 3i प्लस 5j माइनस 3k 6k माइनस 6k बराबर 7√70। अब अगर कुछ कॉमन आता है तो ठीक है, नहीं तो ये चीज आपने लिख दी तो कोई दिक्कत नहीं है। r डॉट n बराबर d, मात्रक दूरी पर होना चाहिए, s7 मात्रक दूरी पर वो वाला वेक्टर उससे होना चाहिए, तो r डॉट n कैप लिख दिया। कोई समस्या है किसी को? नहीं सर कोई समस्या नहीं है।
एक सवाल और है कि 1,2,3 से जाने वाली तथा तल पर लंबवत रेखा का समीकरण लिखना है। अब ध्यान से देखना, यह भी क्वेश्चन आसान है कि भैया आपको क्या किया है, एक समतल दिया हुआ है, ये समतल दिया है r डॉट n बराबर b, यानी कि समतल के परपेंडिकुलर वेक्टर ये रहा n वेक्टर, ये रहा i कैप प्लस 2j कैप माइनस का 5k, और एक रेखा मुझे ज्ञात करनी है जो इस प्लेन पर लंबवत है, मतलब प्लेन पर ऐसे है, ये रेखा होगी और ये 1,2,3 से जा रही होगी, ये रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। ये प्लेन है, प्लेन दिया हुआ था, मैंने प्लेन से ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, उठा ली कि ये है। अब ये रेखा जो है जो प्लेन से लंबवत है, वो रेखा और नॉर्मल वेक्टर समांतर है, अरे यही तो है, इस रेखा का समीकरण लिखना होगा। तो इसके लिए जो बी वेक्टर होगा वो एन वेक्टर ही होगा, होगा आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप, क्या आप ज्ञात कर लोगे 1,2, तो ये हो गया आर वेक्टर बराबर आई कैप प्लस 2j कैप, ऐसा लिख देता हूं, एक्स माइनस 1/1 बराबर वाई माइनस 2/2 बराबर जेड माइनस 3/-5। सीधी सी बात है यार, आपको जो चीज दिख रही है, क्या दिख रहा है कि प्लेन के पैरेलल परपेंडिकुलर एक लाइन है, तो प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन तो मतलब नॉर्मल वेक्टर की दिशा में जाएगी, इसी की तरफ जाएगी, तो बस यहां से मेरा रिजल्ट आ जाएगा। क्या किसी को कोई समस्या? सर कोई समस्या नहीं है, अब ठीक है। अब जरा एक सवाल और करते हैं, ये भी अच्छा सवाल है। निम्नलिखित स्थितियों में मूल बिंदु से खींचे गए लंब के पाद के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ज्ञात करते हैं, मूल बिंदु से लंब के पाद के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ये मैं कर देता हूं। अब देखना ध्यान से, प्लेन पर मूल बिंदु से खींचे गए लंब के पाद के निर्देशांक, मतलब जो पुट ऑफ परपेंडिकुलर है मूल बिंदु से, वो क्या होगा, वो कैसे निकालोगे, कैसे ज्ञात करोगे? तो एक बड़ा ही अच्छा सा तरीका है, सर बताइए क्या तरीका है। मान लो ये प्लेन है, ये ऐसा प्लेन है, ये है मूल बिंदु 0,0,0, यहां से आपने लंबवत कोई लाइन, कोई लंब परपेंडिकुलर डाला, ये कोई पॉइंट पी है, मुझे नहीं पता क्या है, ठीक है, मुझे नहीं पता, मुझे यही पॉइंट पी ज्ञात करना, और समतल का समीकरण दिया हुआ, अच्छा समतल के परपेंडिकुलर वेक्टर बोलो n वेक्टर, वो आएगा 2i प्लस 3j प्लस 4k, ये समतल के परपेंडिकुलर वेक्टर, मुझे ये पॉइंट ज्ञात करना है, ये वाला पॉइंट। अब ये डायरेक्टली तो आएगा नहीं, डायरेक्टली ये वाला पॉइंट आएगा नहीं, आएगा क्या? नहीं सर, सीधा सीधा डायरेक्टली तो नहीं आ सकता, मूल बिंदु से लंबवत वाला पॉइंट निकालना है। कैसे निकालेंगे आप? ये जो रेखा ओपी है ना, लाइन ओपी, रेखा ओपी लिख लेंगे। सर कैसे लिखेंगे? वो ऐसे लिखेंगे, एक्स माइनस 0/2 बराबर वाई माइनस 0/3 बराबर जेड माइनस 0/4। क्यों लिखा बेटा आपने ऐसा? अगर किसी को डाउट आए तो क्यों लिखा, क्यों लिखा ऐसा? इसलिए लिखा क्योंकि ये वाला जो वेक्टर था, ये वाला वेक्टर, ये लाइन और ये वेक्टर, दोनों के दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, इस वेक्टर के समांतर जाएगी लाइन, तो ये पॉइंट से पास हो रही है और यहां से पैरेलल इसके पैरेलल है, एक्स माइनस एक्स 1/a, वाई माइनस वाई 1/b, जेड माइनस जेड 1/c, तो 2,3,4 यहां आ गया, ऐसा आ गया। अब इस रेखा पर लाई करने वाला कोई भी बिंदु, रेखा पर बिंदु, रेखा पर बिंदु क्या लिखी जाएगी? बच्चे सोच रहे हैं सर तकलीफ हो रही है सर, थोड़ा सा ना मतलब अभी फील आ जाएगा, रुको तो सही, x बाई 2, ये ऐसा है, रेखा पर कैसे बिंदु लिखेंगे? देखो ये है x बाई 2, y बाई 3 और z बाई 4 बराबर लैम्डा ले लिया, तो x का मान 2 लैम्डा, y का मान 3 लैम्डा और z का मान 4 लैम्डा, तो ये 2 लैम्डा कॉमा 3 लैम्डा कॉमा 4 लैम्डा कोई भी पॉइंट हो सकता है प्लेन, मैंने p पॉइंट इस लाइन पे, मैंने P पॉइंट मान लिया कि ये वाला जो पॉइंट है ये इस प्लेन पर होगा, ये पॉइंट इस प्लेन पर होने वाला है, ये वाला पॉइंट इस वाले प्लेन पर होने वाला है, ये पॉइंट ये रहा। अब ये मुझे बताओ कि ये पॉइंट कहाँ है? प्लेन पर है। P कहाँ है? ये समतल पर है। कहाँ है? समतल पर।
समतल पर है तो समतल के समीकरण को संतुष्ट करेगा, बिल्कुल करेगा सर, अवश्य करेगा। समतल के समीकरण को संतुष्ट करेगा तो यानी कि 2 × 2 लैम्डा प्लस 3 × 3 लैम्डा प्लस 4 × 4 लैम्डा माइनस 12 बराबर 0, यानी कि 4 × 9 = 9, 4 = 13 और 16 × 9 = 25 और 4 = 29 लैम्डा इंटू 29 बराबर, इसको लविंग वैल्यू कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको ना कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। इसको 12 ना करके हम इसको कर लेते हैं 29 कर लो इसको, थोड़ा सा थोड़ा अच्छा हो जाएगा, और वाली वैल्यू को 29 लिखो, मान लो 29 लिखो। अभी फिलहाल मैं बस समझाने के पर्पस से, इसलिए ताकि कैलकुलेशन जो है वो ना हो ज़्यादा, इसलिए हमने इसको 29 लिख दिया। तो 16 × 9 = 25, 25 + 4 = 29 = 29 हो गया, यानी कि लैम्डा का वैल्यू आ गया 1। यदि लैम्डा का वैल्यू 1 आ गया तो आप बताइए जो पॉइंट पी होगा वो क्या होगा, पॉइंट पी क्या होगा, पॉइंट पी क्या होने वाला है, पॉइंट पी होने वाला है 2, 3, 4, यही पॉइंट आ जाएगा इसके परपेंडिकुलर, ठीक, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2, 3, 4 आ जाएगा, ठीक। सर ये तो हम वैसे भी कर सकते थे ना कि d बटा जो भी आ रहा है वो पॉइंट हम लिख देते, मतलब हम ऐसे लिख देते कि इसको इसके मैग्नीट्यूड से, मतलब 2i cap + 3j cap + 4k cap को उसके मैग्नीट्यूड से भाग देते, रूट 29 आता ना यार, तो पॉइंट थोड़ी मिलता, तब भी पॉइंट तो हमें ऐसे ही मिलेगा ना 2, 3, 4, ये मिलेगा ना पॉइंट 2, 3, 4, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा है पूरी बात कि भाई आप कैसे इसको लंबपाद कैसे निकालोगे मूल बिंदु से, ठीक है सर, पक्की बात है मूल बिंदु से लंबपाद निकाल लेंगे सर, निकाल लेंगे सर, ठीक है, कोई डाउट सर, कोई भी डाउट नहीं है, सब कुछ क्लियर है, आसानी से सब कुछ आ रहा है समझ में। चलिए कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं फिर, इसके 2-3 पॉइंट्स और हैं वो भी देख लेते हैं। बोल रहा है प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 गिवन प्लेन। जब आपने लाइन के बारे में पढ़ा होगा क्लास 11th में तो L1 + λ L2 पढ़ते थे, तब ये अगर कोई लाइन होती थी, ये L1 है ये L2 है और कोई लाइन L जाती थी तो L = L1 + λ L2 पढ़ते थे। यही चीज अगर मान लो कोई समतल है, मान लो दो समतल है ना, एक समतल ऐसा बना है और एक समतल ऐसा बना है, ये दोनों समतल है जी सर, इन दोनों समतल में इससे एक तीसरा समतल जा रहा है ऐसे कर, ये P है मान लो और ये मान लो P1 है और ये मान लो P2 है, तो P बराबर होगा P1 + λ P2 = 0। ये समीकरण लिखते हैं, अगर ये प्रतिच्छेदन रेखा कॉमन होती, जैसे आपकी कॉपी के 3 पन्ने आपने उठाया, एक पन्ना ऐसे आया, एक पन्ना आपका ऐसे आया और एक पन्ना ऐसे आया, तो आपने बीच वाला पन्ना जो होगा वो इन जो कॉमन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है उससे पास हो रहा है, तो यही बोला है कि पासिस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ 2 गिवन प्लेन्स, इस रेखा से इससे पास होने वाला प्लेन ये रहा, तो P = P1 + λ P2 लिख देंगे। अब लैम्डा निकालने के लिए अलग अलग प्रलोभन देगा, अलग अलग प्रलोभन देगा, काम हो जाएगा, तो लैम्डा हम ज्ञात कर लेंगे, ठीक। अगली चीज कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइन्स, कोप्लेनर लाइन्स कोप्लेनर कब होती है, एक ही प्लेन में एक ही समतल में कब आएंगी दो रेखाएं, याद रखिएगा एक ही समतल में तब आएंगी जब A1 - A2 डॉट डॉट B1 × B2 जीरो हो जाएगा, ये जब जीरो हो जाएगा। वैसे तो ये अपने पास शायद इसके ऊपर सवाल आपको कोई भी ना आए क्योंकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हट चुका है, बट फिर भी अपन ये बेसिकली वैसे नहीं है, आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये चीज जो आ रही है कि ये कैसे हुआ, ये जीरो कैसे आया, ध्यान से देखते हैं। मान लो ये है, ये लाइन है और ये एक और रेखा, ये A1 वेक्टर है, ये A2 वेक्टर है, और एक वेक्टर B1 वेक्टर इसकी तरफ जा रहा है, एक वेक्टर B2 वेक्टर इसकी तरफ जा रहा है, दोनों वेक्टर्स इसकी तरफ जा रहे हैं, तो आप समझिए मेरी बात कि ये वाला वेक्टर और B1 × B2 n वेक्टर मिलेगा, B1 × B2 मिला n वेक्टर, ठीक, n वेक्टर का डॉट करेंगे इस वेक्टर के साथ तो जीरो आएगा ना, n वेक्टर का डॉट करा B1 A1 - A2 या A2 - A1 के साथ तो जीरो आएगा,
ये कंडीशन होती है कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइन्स। तो दो लाइनें अगर दी हैं एक समतल में है तो ये डिस्टेंस मैंने जो बोला था डिस्टेंस जीरो आ जाए वो ऐसा हो, ठीक है, दोनों क्या होंगी कोप्लेनर होंगी। अब एक दिक्कत और है सर, क्या कुछ नहीं, ये ए टू और ए वन अगर मतलब लाइनें पैरेलल हो गई तो भी समतल में तो आएंगी। अरे समांतर लाइनें भी पैरेलल में इसमें आती हैं वो तो वैसे ही बी वन क्रॉस बी टू जीरो हो जाएगा। अरे दो, अरे अगर अगर मैं किसी दो वेक्टर का क्रॉस कर दूं ए क्रॉस ए करूं वो तो जीरो ही मिलने वाला है ना, क्योंकि थीटा जीरो है। वो तो वैसे ही अंडरस्टूड है कि भाई पैरेलल लाइन है तो एक ही समतल में आएंगी, ठीक है। ये आपने सरल रेखा में पढ़ा है जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो होता था, तो किसी बिंदु से एक्स वन कॉमा वाई वन से इसका डिस्टेंस डी कैसे निकालते थे सर? डी बराबर होता था ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी बटा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता था। तो इसके लिए मुझे प्लेन का कार्तीय समीकरण ज्ञात करना पड़ेगा। कार्तीय समीकरण जब मैं ज्ञात कर लूंगा तो मैं इस प्लेन से किसी भी पॉइंट की दूरी निकाल सकता हूं। मान लो ये एक्स वन है, ये वाई वन है और ये जेड वन है, और ये प्लेन जो है वो है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर डी प्लस सी जेड बराबर डी। इसको उठा के यहां रख दो तो क्या आएगा? ये आएगा ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी बराबर जीरो। ये पॉइंट उठा के यहां रख दोगे, ऐसा करके डिस्टेंस निकालना है डी, मान लो ये डी निकालना है, क्या आएगा बताओ सर? ये आएगा ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी बटे रूट का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आप तो केवल और केवल फॉर्मूले याद करके चले जाना, ये वाले चीज सीधा थोड़ा थोड़ा चीज अगर आप ध्यान रखोगे, ये जो मैंने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो बता दिए अगर आप वो ध्यान रखोगे इम्तिहान में सवाल आएगा तो आपसे हो जाएगा, ये निश्चित बात है। बस सवाल में आपको कैलकुलेशन करनी होगी, वो अब आपका काम है। इतना तो कर लोगे, बारहवीं में पढ़ रहे हो, कर लेंगे सर इतना तो कर लेंगे, छोड़ दो। तो ये वाली वैल्यू डिस्टेंस आएगी, ये डिस्टेंस आएगा ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी, इस पॉइंट को समतल में रख देंगे रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, ठीक। तो अब मैं एक सवाल करवा देता हूं इसके ऊपर, जहां पर हमारे पास तीन पॉइंट है, यहां से प्लेन जा रहा है, इस समतल का समीकरण निकालना है ए बी और सी। तो मैंने ए बी वेक्टर लिखा, क्या आएगा? आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप। फिर मैंने बी सी वेक्टर लिखा या ए सी वेक्टर लिख लेते, जो आसान लग रहा है वो लिख लेते, आसान ए सी वेक्टर लग रहा है, ए बी वेक्टर लग रहा है, ए सी क्रॉस ए बी कर देंगे। तो अगर टू आई प्लस थ्री जे प्लस सिक्स के, तो मैंने बोला कि चलो मुझे नॉर्मल वेक्टर चाहिए। प्लेन का समीकरण निकालने के लिए नॉर्मल वेक्टर की आवश्यकता पड़ती है? बिल्कुल पड़ती है सर। तो एन वेक्टर निकाल दिया, उसको कर दिया ए सी क्रॉस ए बी। सर ए सी क्रॉस ए बी क्यों करेंगे, ए बी क्रॉस ए सी क्यों नहीं कर दे यार? ए बी क्रॉस ए सी कर दे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाले की जगह नीचे आ जाएगा, पर मिलेगा तो नॉर्मल वेक्टर ही ना, अरे प्लेन के लंबवत ही मिलेगा। तो एन वेक्टर निकालने के लिए आई जे और के, ए सी का वैल्यू टू तीन और सिक्स, वन टू और थ्री, बताइए क्या आ रहा है एन वेक्टर? ये आ रहा है आई कैप के साथ 9 माइनस प्लस माइनस प्लस 9 माइनस 12 मतलब माइनस का 3 माइनस का जे कैप के साथ बताओ 6 माइनस 6 जीरो हो गया, और के कैप के साथ बताओ के कैप के साथ क्या आया 2 टू जा 4 माइनस 3 यानी कि 1, यानी कि ये आ गया माइनस 3 आई प्लस का के कैप। ये नॉर्मल वेक्टर आ गया और पॉइंट है 0 0 0, मूल बिंदु से जा रहा है, यानी कि समतल का समीकरण होगा, मैंने ऐसा लिख दिया माइनस थ्री एक्स प्लस वाई, वाई नहीं प्लस का जेड बराबर डी लिख दिया, ये समीकरण लिख दिया मैंने, मान लो ये समीकरण। अब ये प्लेन जो है ये किसी भी पॉइंट से जा रहा है, मान लो 0 0 0 से जा रहा है, मान क्या ले दिया ही हुआ है, इससे जा रहा है, उठा के ये पॉइंट यहां रख दो तो डी का मान जीरो आ जाएगा। इसका मतलब देख लो माइनस थ्री इंटू जीरो प्लस जीरो बराबर डी हो गया, इसका मतलब माइनस का थ्री एक्स प्लस जेड बराबर जीरो, ये समीकरण है। अब अगर आपको ये समीकरण नहीं लग रहा कि सर ये सही है या गलत, तो एक काम करते हैं ये वाला पॉइंट भी रख के देखते हैं, वन टू थ्री रखो इसमें, वन टू थ्री,
तो z की जगह 3x की जगह 1 0 आ गया, अच्छा 2 और 6 रखो, x की जगह 2 z की जगह 6, यानी कि तीनों पॉइंट इस प्लेन में आ रहे हैं। इसका मतलब मैंने सही करा है, प्लेन का समीकरण बिल्कुल सही है, इसमें y वाला कोएफिशिएंट नहीं है, मतलब j कैप के साथ डॉट करेंगे तो 0 आएगा नॉर्मल वेक्टर का, ठीक है, मतलब y के समांतर है, y वाले के समांतर है, ठीक जी सर बिल्कुल सही है। अगला सवाल, उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात करना है, सदिश वेक्टर इक्वेशन, जो इन दोनों रेखाओं के, क्या बोला, जो इस प्लेन के और इस प्लेन के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाता है और 2,1,3 से जाता है, प्रतिच्छेद बिंदु से जाता है, तो पहले तो देख लेते हैं आर ऐसा है, पहले वाले प्लेन को लिख लेते हैं, क्या आएगा, वो आएगा 2x + 2y - 3z - 7 बराबर, यहां पे x y z से गुणा कर दिया, तब ये x के साथ x i y j और z के 2x 2y और -3z, p2 बताओ कितना है, p2 है 2x + 5y + 3z - 9 बराबर 0, 2x + 5y + 3z - 9 = 0, तो प्लेन p क्या होगा सर, वो p1 + λ p2 = 0 होगा, ये 5 नंबर का सवाल आएगा अगर आएगा तो, ठीक है, इसको उठा के रख देंगे, रख दिया तो 2x + 2y - 3z - 7 λ times 2x + 5y + 3z - 9 = 0। अब ये प्लेन के बारे में खास बात क्या है, ये 2,1,3 से जा रहा है, यही खास बात है, ये उठा के यहां पटक दो, क्या मिलता है 2 × 2 + 2 × 1 - 3 × 3 - 7 λ times 2 × 2 + 5 × 1 + 3 × 3 - 9 = 0। जोड़ लेंगे यार कितना आएगा, चेक कर लो, 2 × 2 = 4 + 2 = 6 - 7 - 1 - 10, ये आ रहा है माइनस का 10, और 4 + 5 = 9 कट गया, प्लस का 9 λ = 0, यानी कि लैम्डा का मान आ रहा है 10/9, कितना आ रहा है 10/9, एक बार वापस चेक कर लेते हैं, 2 × 2 - 3 यानी कि 1 2 3 से 2 1 3 से जा रहा है ना, 2 1 3 से, तो 2 × 2 = 4 + 2 = 6 - 9 - 3 - 10 हो गया, 5 × 4 = 9 कट गया, 9 बच गया, लैम्डा के बराबर वैल्यू आ गई 10/9, लैम्डा मिल गया, तो 10/9 उठा के रख देते हैं, लैम्डा की जगह 10/9 उठा के रख देते हैं, लैम्डा की जगह 10/9 रख देते हैं, तो ये जो समीकरण आएगा क्या आएगा बताओ, ये मिलेगा सर, यहां पे लैम्डा की जगह 10/9, तो 2x + 2y - 3z - 7 - 10/9 × 2x + 5y + 3z - 9 = 0, क्या आया बताओ, 9 × 2 = 28x, 9 × 2 = 58, 68 और 30 - 27 यानी कि प्लस का 3z, 9 × 9 = 63 और माइनस का 90, 9 × 6 = 15 - 153। अब ठीक है यार, समीकरण में कैलकुलेशन आप चेक भी कर लेंगे, माइनस का 153 आ रहा है, ठीक है वाहियात सा आ रहा है, कोई बात नहीं, -9 × 9 = 63 और 9 = 90, तो 153 आ रहा है, यानी कि ये वेक्टर लिखा है r.28i + 68j + 3k = 150, ये वेक्टर इक्वेशन हो। अब ये गंदा सा इक्वेशन आ रहा है यार, ठीक है, मतलब कोई बात नहीं, कैलकुलेशन ही तो है केवल और केवल, बाकी तो कुछ नहीं, आपने ये तो समझ ही लिया ना कि p1 + λ p2 से लिख दिया, लिखने के बाद उस पॉइंट को उठा करके रख दिया, रखने से लैम्डा रखने के बाद मुझे क्या मिल गया, वेक्टर, जो प्लेन का इक्वेशन मिला कार्टेशियन रूप में उसको वेक्टर रूप में बदल लिया, आंसर आ गया। वेक्टर रूप में बदलने के लिए इसको आई कैप, इसको जे कैप, इसको के कैप, आर डॉट, ये 150। सबसे सिंपल सबसे आसान चीज यही है प्लेन में,
अगला सवाल, ये बिंदु और ये बिंदु इस समतल से समान दूरी पर है, तो P का मान ज्ञात करना। दूरी निकालने के लिए मुझे समतल को लिखना पड़ेगा ऐसे, 3x प्लस 4y माइनस 12z प्लस 13 बराबर जी। अब इस समतल पे इससे दूरी और इससे दूरी लिख लेते, तो 3 प्लस 4 माइनस 12p प्लस 13 बटा रूट का 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग बराबर, ये दूरी और दूसरी वाली दूरी माइनस 3 0 और 1, तो 3 इंटू माइनस 3 प्लस 4 इंटू 0 माइनस 12 इंटू 1 बटा प्लस 13 बटा रूट ओवर 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग। ज़्यादा लोड लेनी ही नहीं है, ये तो ख़त्म कर देना है। हालांकि ये 5 का वर्ग और 12 का वर्ग यानी कि 13 आ जाएगा, पर अपने को मतलब ही नहीं है ना, ये दोनों काट दो। काट दिया, क्या बचा, 13 4 17 और 3 20 माइनस 12 पी का मॉड बराबर 13 माइनस 12 1 हो गया, 1 माइनस 9 कितना आ रहा है, 1 माइनस 9 यानी कि माइनस का 8 आ रहा है, यानी कि अगर मैं कॉमन लूँ 4, तो 4 कॉमन लिया तो कितना आया, ये आ गया 5 माइनस 3p बराबर 8, 4 टू ज़ा 8 होता है, तब मेरे को मिला 5 माइनस 3p का मॉड बराबर कितना मिला, 2 मिला, तो यानी कि 5 माइनस 3p बराबर 2 या फिर 5 माइनस 3p बराबर माइनस 2, यहाँ से बताओ कितना आ रहा है, 5 माइनस 3p बराबर, तो 3p बराबर 7, तो p बराबर 1, या फिर 5 में से 5 प्लस 2 7 हो गया 3p यानी कि p बराबर 7/3, तो दो आंसर मिल रहे हैं, एक ये हो सकता है या ये हो सकता है, या तो पहला वाला हो सकता है या दूसरा वाला हो सकता है। आपने कुछ भी नहीं किया, वो पॉइंट पुट करा 110 11p और माइनस 3 0 और 1, तो 11p पुट करा तो कितना आया, 3 प्लस 4 माइनस 12p प्लस 13, 13 4 17 और 3 20 माइनस 12p ठीक, माइनस 12 का p बराबर माइनस 3 प्लस 0 माइनस का 12 ठीक, माइनस का 12 प्लस का 13 माइनस 12 1 माइनस 3 प्लस 1 8 हो गया, तो 8 हो गया, तो मुझे ये वैल्यू। आखिरी सवाल इस प्लेन के इक्वेशन का या प्लेन का, ठीक है कर लेते हैं सॉल्व। क्या बोला, r dot a के प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले तथा x अक्ष के समांतर समतल का, x अक्ष के समांतर का मतलब क्या होता है आप समझिएगा, ये x एक्सिस है, कोई भी प्लेन अगर x एक्सिस के समांतर होगा तो कुछ इसी प्रकार का होगा भाई, x एक्सिस के समांतर होगा तो जो प्लेन होगा उसमें x का कोएफिशिएंट 0 होगा, उससे क्या होगा, x का कोएफिशिएंट 0 होने से ये होता है कि जो y और z वाले हैं केवल वही जिंदा बचे, ताकि आप समझिए ना, ये इसके पैरेलल है प्लेन, तो x एक्सिस के पैरेलल है यानी कि ऐसा कुछ आएगा, x एक्सिस के पैरेलल होगा तो ऐसा ही कुछ आएगा, तो ये वाला प्लेन है r डॉट i प्लस j प्लस k, तो हमने पहला वाला प्लेन लिख लिया p1, वो कितना आया x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 बराबर 0, और दूसरा वाला लिख दिया, अच्छा x इंटरसेप्ट आ पाएगा क्या, नहीं आ पाएगा, तो x इंटरसेप्ट इसलिए नहीं आ पाएगा, तभी हम x का कोएफिशिएंट क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, x इंटरसेप्ट उसमें नहीं आ पाएगा इसलिए x इंटरसेप्ट 0 कर देते, ठीक ये भी समझ सकते हैं, ठीक x एक्सिस के पैरेलल मतलब x इंटरसेप्ट जो है वो प्लेन का नहीं आ सकता, ठीक है यस सर, तो x प्लस वाई प्लस जेड आ गया, x प्लस वाई, ये एक्चुअली आपको फील 3D में हो सकता है नहीं आ रहा, बट आप समझिए x के पैरेलल होगा तो x एक्सिस पे इंटरसेप्ट कभी भी नहीं आ पाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1, दूसरा प्लेन लिखा p2 वो कितना आया 2x प्लस 3y माइनस जेड प्लस 4 बराबर सी, p1 प्लस लैम्डा p2 लिखा, बिल्कुल लिखा p1 प्लस लैम्डा p2 बराबर 0, ये p हो गया, प्लेन का समीकरण हो गया, बताइए क्या आ रहा है, सर ये आ रहा है 2x प्लस वाई प्लस जेड या 2x प्लस 2y माइनस जेड प्लस, अच्छा कभी पहले p2 लिख दिया बाद में p1 लिख दिया तो तकलीफ तो नहीं है, अरे नहीं होनी चाहिए यार, ना लिख देते,
एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस वन प्लस लैम्डा टाइम्स टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस जेड प्लस फोर बराबर जीरो बराबर बराबर ये p आ गया है। अब ये p में x का गुणांक क्या है वन प्लस टू लैम्डा, y का गुणांक क्या है वन प्लस थ्री लैम्डा, z का गुणांक क्या है वन माइनस टू लैम्डा और माइनस वन प्लस फोर लैम्डा बराबर जीरो। x का गुणांक क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए, वन प्लस टू लैम्डा की वैल्यू जीरो होनी चाहिए यानी कि लैम्डा की वैल्यू माइनस वन बाई। ये उठा के इस प्लेन में रख दो, प्लेन p का समीकरण आ जाता है वाई इंटू वन माइनस थ्री बाई टू प्लस जेड इंटू वन प्लस टू, वन माइनस टू इंटू माइनस वन बाई टू माइनस वन प्लस फोर इंटू माइनस वन बाई टू बराबर जोड़ लीजिए माइनस वन इंटू वाई यानी कि माइनस का वाई यहां पर जोड़िए टू टू जा फोर टू प्लस टू फोर जेड प्लस का फोर जेड यहां पर जोड़िए माइनस चार और माइनस दो माइनस का सिक्स बराबर जीरो यानी कि वाई माइनस फोर जेड वाई माइनस फोर जेड प्लस का सिक्स बराबर ये समीकरण हो गया। ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हुआ प्लेन, किसी एक्सिस के पैरेलल प्लेन होने का मतलब है उस एक्सिस पे इंटरसेप्ट जो है वो जीरो आएगा। ठीक है, किसी को कोई समस्या? सर कोई समस्या नहीं है तो ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर होता है खत्म। पढ़ाई आपकी जारी रहनी चाहिए, एक और लेक्चर है उसमें हम प्रोबेबिलिटी पढ़ लेंगे, वो भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का धन्यवाद, प्लीज और प्लीज पढ़ाई करते रहें क्योंकि आपका भविष्य आप ही के हाथ में। ठीक है, यस सर, धन्यवाद आप सभी।